सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी दे साजन वाजे गुरु रूप गुरु खालसा साहब संत जीओ सब संत गज के बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का फतेह। गुरु प्यारे खालसा जी, आप जी ने गुरु प्यारे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार गुरतारण सिंह जी कोहड़ा जी के पासों फतेह विद्वाना विचों महान विद्वान ज्ञानी लाल सिंह जी के पासों सोहने विचार सुन के आनंद माणिया है। उस तो पहला अमृत वेले शहीदां दे सरताज श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी के मुखारबिंद तो उतरे हुए धुर के बाणी आई तुम सगली चिंत मिटाई दे महावाक दा पवित्र विचार सिंह साहब श्री दरबार साहब जी दे हैड ग्रंथी साहबान भाई साहब सिंह जी के पासों सुंदर विचार सुन के मदभागी बने हो। जिस समय दे विच सरदार जस्सा सिंह जी आलूवालिया साहब ने जन्म लिया बड़ा भयानक सीन से थावां थावां दे उपर केस जाड़ नूं खत्म करके सदा वास्ते दुनिया दे विच्चों चिन्ह मिटाउण दीआं कोशिशां कीतीआं जा रहीआं सन। उहनां समिआं दे विच जन्म लै के 5 साल दी उमर तों माता सुंदर कौर जी दी गोद दा आनंद प्राप्त होया। तकरीबन 10 साल दी उमर तक उत्थे समां बतीत करन दा सुभाग प्राप्त रहा। उस तों पिछों अपने मामा जी नाल होर थावां ते विचर के गुरु घर दे विच्चों बख्शां प्राप्त करके अगे सेवा आरंभी। नवाब कपूर सिंह जी दे पासों अमृत छकिया ते अपनी जिंदगी विच दो गल्लां विशेष तौर ते बतीत कीतियां। बाकी भावें नीति मुताबक समें समें मुताबक चले हन पर आरंभता तो लै के अंतम समें तक ये दो चीज़ों का त्याग नहीं किया। एक अमृत छकाउणा, एक बाणी पढ़नी अते पढ़ाउणी। पातशाह जी दी वार दा कीर्तन आप करिया करदे भावें जंग दा टाइम चाहे शांति दा टाइम होवे ते अमृत छके तो बिना अपने जथे विच किसी नूं भर्ती नहीं सी किया करदे। जे कुछ समें वास्ते कोई आउंदा ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਐਸਾ ਸੁਚੱਜਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਕਮ ਦੁਆਰੇ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੋਂ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ, ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀਏ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਏ, ਹਰ ਸਿਆਂ ਲੈਣ ਮਲਾਏ। ਰਜਨ ਸਬਾਈ ਜੰਗਾ, ਜੰਗ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੰਗ, ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਚੜੇ ਤੁਰੰਗ। ਘੋੜੀ ਦੇ ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਮਹਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਯੋਧੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿਰਦਾ ਠਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਤਤਪਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਨੇ ਪੂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿੰਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਰ ਕੇ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਲੈ ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਸਾਰੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਝੌਂਪੜੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ। ਹਾਥ ਪਾਓ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ, ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ ਪਹਿਰ ਤੇ ਘੜੀਆਂ, ਆਵ ਘਟਾ ਤਨ ਸ਼ੀਜਾ, ਕਾਲ ਇਹੇਰੀ ਫਿਰਾ ਵਧਕ ਦਿਓ, ਕਹੋ ਕੌਣ ਵਿਦ ਕੀਜੈ। ਸੋਧ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗਾ,
मात पिता भाई सुत बंता कहो को है काक। दसो कौन किसी मां ते कौन किसी का पिता है, केत्या के बाप केत्या के बेटे केते गुर केले हुए। आगा पाशा गणत नाला क्या जाति कौन हुए। ऐसी हालत है जीवा दी जिस तरह अमृतसर साहब तो गड्डी ते चढ़ के कलकत्ते जाना होवे हावड़े ते। जिस मनुख ने जिस स्टेशन तक पैसे दिते हों उतों का टिकट उसको मिलता तो उस स्टेशन से जाके टीटी उतार दिंदा उसको उतरना पैंदा। पर जी ने पूरा किराया इतों दे के हावड़े का टिकट लिया होवे उत्थे पहुँच के टीटी जो हुंदा नाल जा रहा गड्डी दे ਉਹ ਤਾਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੋ ਉਤਾਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਅਸਵਾਰੀ ਅੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪੂਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਟੀ ਟੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਦੇਖ ਇਹ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੈ। 72 ਜੋ ਮੋਟੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ ਨਾੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ 72,72,72,272 ਮੰਨੀਆਂ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡੱਬੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਹ ਰੂਪ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੇ ਟਿਕਟ ਇਸ ਜੀਵ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁੰਨਾਂ ਰੂਪੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੁੰਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੇ ਟਿਕਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੌਢਾ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਅਖੀਰ ਹਾਵੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਰੂਪ ਟੀ ਟੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੱਕ ਕੰਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰੂਪ ਜਿਤਨੀਆਂ ਹਨ ਬਾਰੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਲ ਰੂਪ ਟੀ ਟੀ ਜੋ ਹੈ ਜਮਦੂਤਾ ਰੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੂਪੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜੂਨਾ ਰੂਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰਖਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਖਸਮ ਕਸਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਦੂਰ ਰਹੀ ਉਹ ਜਾਣਤੇ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਜਦ ਦੂਰੋਂ ਭਾਗਾ, ਮਤ ਮਾਰੇ ਹਰ ਜੀ ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਜਮਦੂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਜਨ ਪਦਾਰਥ ਜੀਤ, ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਐਸੇ ਚਲੈ ਕੀਤੋ ਭਵਨ ਪੁਨੀਤ। ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਓ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੱਭ ਲਿਓ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸਾਂ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਅਪੱਧਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਸਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਛਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਸੁਭਾਅ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗਾਤਰਾ ਵੀ ਚੌੜਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਵੱਡੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰਾ ਵੀ ਲੰਮਾ, ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਧੋਖਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਧੋਖਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ,
बहुता कई चले जो वड्डा नहीं हुंदा जे कोई गाला कढ़ी जावे घटदा नहीं तां विगड़दा कुछ नहीं मनुख दे पल्ले कख नहीं रहिंदा आपां नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो लड़ लगना चाहिदा है आपां एकत्र होए हां धर्म जद मोर्चा चल रहा है इस संबंधी बेनती करांगा सारी संगत नूं माइयां नूं भी ते सिंघां नूं भी कि जितने आप इत्थे एकत्र होए हो जहाँ बाहर संगत रह रही है थावां थावां ते विचर रही है काम कार अपने कर रही है कि अपनी सारियां दी रुचि है कि आपां आनंदपुर दा मता पूरा लेना है जे आनंदपुर दा मता खालसा जी आपां प्राप्त करना है ते आपां नूं अपने मन च ख्याल जरूर रखना पवेगा जिहड़ा मनुख अपने घरे ही नहीं वड़दा उहनूं घर की सफाई करन वास्ते किसी ने देना की है आपां जम्मे हां 1756 विच आनंदपुर साहिब कि जितने आपां बैठे हाँ आपां अपने मन विच ख्याल करिए आपां अपने घरे आए हुए हां कि अमृत छके सारिआं ने पंज बाणियां कंठ हन रहराज साहिब कीर्तन सवेले का नितनेम आपां रात नूं कहण लगा जरूर करदे हां जे तां इस निज विच पक्के तां आपां आनंदपुर अपने घरे वड़ गए हाँ फिर तो आनंदपुर का मता बहुत मामूली जी गल है ये जरूर मनिया जाएगा तो जे आप अपने आप ही घरे वड़न तैयार नहीं तो दूजा आप अपने घरे वड़ेगा कौन शरीक ने तो कहना चंगा होया घरों निकलिया घरे वड़िया कोई मोर्चा बना के बैठेगा कोई घर का साजो समान बना के साजे ने लड़ाई करेगा इन्हें बाहर ही तुरै फिर दो आप अपने मन च ख्याल करो तो सोचो असं कि चिर घर रहने तो कि बाहर रहने बारे सारे ने सोचना पैना एक दो लीडर नहीं सारे वर्कर सारे माइया भाइया नौजवान बच्चे बजुर्गों आनंदपुर का मता लैन वास्ते घरे आओ अमृत छको श्री गुरु ग्रंथ साहिब के उपर अडोल निश्चय रखो तो गुरु में अंग संघ जाणांगे सच्चे पातशाह जरूर सहायता करते हैं जह जहाँ काल किरत सेवक की तह तह उठतावा सेवक को निपटी हुए दिखावा वो यकीन रखिए जरूर सहायता करता है एक गल अफसोस नाल भी कहनी पैंदी है आ थोड़े जे दिन होए है चौड़ा पढ़े वाले में पढ़े लिखे सज्जन बैठे खाने दिए कहते होंगे एक प्रेमी मिलकिया सिखा का पुत्र पढ़िया लिखिया कह लगा जी चित नहीं मानता मन नहीं मानता कि 300 साल पिछों ही गुरु गोबिंद सिंह साहब जी आके खालसे की सहायता करे मैं उन्होंने पूछ बैठा तेरा नाँ की है कहता जी नाँ तो अजमेर सिंह है मैं अजमेर दास ही कहा लेना सिंह कानू का होना सी जिन्हों अपने प्यो तो यह नहीं चाहिए कि मेरा प्यो मेरी सहायता करेगा तो पुत किवें खवा सकद गुरु साहब का फरमान है सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए वह अविनाशी पुरख है सब में रहा समाए भाई बिधि चंद जी भावें पिछोकड़ इतिहास पढ़ के कई कबीर उहदा गलत फायदा उठाउंदे पुठे पासे लगदे है पर भाई बिधि चंद जी कुरबानी नूं लुको के छुपा के अपने निजी प्रयोजन नूं पूरा करन वास्ते पुठा रस्ता अख्तियार कर लैंदे है भाई बिधि चंद जी इको एक सारी दुनिया विचों सिख है जिसनूं गुरु साहिबान ने अपने हिरदा अखर कहा होवे भावें खालसे ने अपना रूप कहा अपना मालक दसवें रूप में कहा अपने आप को सेवादार कहा है पर अपना हिरदा छेवें पातशाह ने केवल भाई बिधि चंद जी ने कहा है तो भाई बिधि चंद जी ने जब हिरदा कहा भाई बिधि चंद जी ने सेवा की तो यह जान के नहीं की कि छेवें पातशाह जी तो पता नहीं कितने बैठे होंगे पता नहीं मेरी रक्षा करे कि नहीं करे ये नहीं सी उन्होंने निश्चा से घर बाहर तेरा प्रवास तू जानका है संघ ये जान के दूर नहीं मेरो प्रभ प्यारा खालसा जी मत के पाठ छाल मार दिती एक रोम नहीं सड़िया एक रोम सेक नहीं लगा भाई संगत जी नहीं सी लगा गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी हजूर जो भेटा किया गुरु साहब ने कहा कि उस वे बताले कि चिखा बना के सड़ जा नहीं सी सड़िया गुरु तो निश्चा हो गए तो जरूर सहायता करता है गुरु साहब का हुक्म है निश्चा कर अपनी जीत करो सतगुरु जी कहते कि सिखा तेरा जरा निश्चा और खिचाई ना रख पर निश्चय को प्रपक्त करने वास्ते एक राह है वो राह की हटदा नहीं
और आ की है सतगुरु के चरणों में अरदास दो कि सच्चे पातशाह कृपा करो निश्चा सानू आप बख्शो खास करके शरीरक तौर पर घटना वापरी है संगत ने अखबारों में पढ़ी है इतने रहने वाले जिम्मेवार सज्जनों ने सीन वेखे है माना वाले कांड विच जिस दिन जथे की जीप फसी है तो पुलिस कर्मचारियों ने गोली चलाई ब्रिष्ट मारे बहुत गोले सुटे उतों का जोड़ा सीन है पोले विच जेड़े सिंह हैं उन्होंने पूछ के देखा जाए अपना मन तो हो सकता कि दावा डोल किसी का हो जाए पर उन्होंने सिंह का नहीं होगा ड्राइवर के तीन गोलियां बजिया हो एक लत्त विच एक कमर कसे स्थान पर एक पासे ते एक शहीद सिंह पत्तां विच पिया हो एक मोढ़ियां ते पिया हो बाकी जख्मी जीप विच पए हो जीप नूं अग लग चुकी हो खब्बे पासे का अगला टायर ते सज्जे पासे का पिछला टायर फट गया हो फिर ही लाश ते जख्मी वापस आ जाण ते केड़ा सिख ते केड़ा संत ते केड़ा जिम्मेवार जिहड़ा कह सकदा मैं लिया आया छेवें पातशाह गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब जी आप लियाए निश्चा रखिए तो जरूर कृपा होवेगी कल जिस वेले प्रदर्शनी वेख रहे स उस वेले गुरमुख प्यारे भाई सतबीर सिंह जी प्रिंसीपल साहब ने एक इशारा किया मन च बड़ी खुशी आई सी तो सिक्ख्या भी प्राप्त हुई तो आप सारों करनी चाहिए है तो कहण वाले भी करनी चाहिए है भाई गरजा सिंह बोता सिंह का सीन दास ते संत बाबा हरचंद सिंह लंगोवाल वेख रहे थे तस्वीर तो इन्हां सज्जनां ने उस वेले कहा सी कि गुरमुखो ये फोटो में एक बड़ी अमोलक सिख्या है पूछा तुसीं पढ़े लिखे दसो इन्हां कहा सी कि खालसे दा के मूँह वल मूँह नहीं होना चाहिए पिट्ठां जोड़नियां चाहिए ठीक है खालसे का मूँह हमेशा गुरु ग्रंथ साहब वल होना चाहिए जो गुरु ग्रंथ साहब तो मूँह फिर के मनुख वल हो जाए तो फिर घाटा पैंदा चेहरा तो खालसा का गुरु ग्रंथ साहब वाल ही होना चाहिए तो खालस दियां पिट्ठां जरूर जुड़नियां चाहीदियां है पर जे हुण किसी की ना पिट होवे तो ना मूँह होवे उहदा की करीए तो केवल लौंगोवाल तो जरनैल सिंह की पिट्ठ नहीं जुड़नी चाहिए है सारियां दी इक थाउणी चाहिए है उस विचों तां लाभ होवेगा यह लाभ तां होवेगा जे आपां नूं हिरस लालसा मुक्की होवेगी केवल गुरु की बाणी ते निश्चा ते हलीमी राज नूं कायम करना ये अपना निशाना होवेगा ये निशाना किवें प्राप्त होवेगा जो निशान साहब अज आपां लहरा के हटे हाँ इहदे थले रहांगे जे कदे चिट्टी झंडी थले कदे हरी झंडी थले कदे लाल झंडी थले इस तरह तुरे फिरते रहे तो घट हो गए बोला मैं तेरा गुरु वाले तो बच के आ गया भई अकाल की तभी चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ इस आसरे लग के जेड़ा अपने जीवन रूपी बेड़े नू एक कंपास सूई हुंदी है वह ध्रुव तारे वाल रही सीधी खंडे का उच्चा पान है उपरली नोक है उसे तो सिक्ख्या लैनी है अपनी संसाराकार बिरती का त्याग करके बिरती ब्रह्माकार करके भगवान रूप ध्रुव तारे वाल अडोल रखनी है जो इस तरह रहेगी फिर चरखड़ी पर चढ़ जाइए बंद बंद कटिया जाए सी सारे नाल चीरिया जाए चाहे खोपड़ियां लहाउणियां पैण फिर खालसा ही छित्र दे नाल कुट के चंगी तरह जकरीए खान वर्गे नूं अगे ला के गुरु का सिख अपने जीवन रूप जहाज नूं मुक्ति रूप किनारे ते पहुंचा के सचखंड विच अपना साधो समान लैके सब गुणा रूप जिहड़ी समगरी है सत संतोख दा धर्म चार आदिक इहदे सहत प्रफुल्लत हो के पहुंचदा है यह अज आपां नूं इस निशान साहिब तों सिख्या लैणी चाहीदी है निशान साहब नूं तारां पाईआं एक तार का लड़ उपर है तो एक थले है जेड़ा तार का लड़ उपर है वो सिख्या दिंदा कि अपनी बिरत नूं एक टक वाहिगुरु नाल जोड़ के रखो जेड़ा तार का लड़ थले धरती च दबिया है वो तो सिख्या लैनी दीसा सब में सब ते रह के तार ब्रह्म का ओए ध्यान धरते
ग्रस्त मार्ग में रेंदे हाँ जो कवल रहा है पानी है इस तरह का जीवन निर्लेप रख के ये नहीं जो कोई बगाना मरे तो चुप से जा हस पैना तो जे आपका मरे तो सहां निकल जानिया इस तरह का जीवन ही सिखा होना चाहिए। गुरु अगे अरदास करिए आप सच्चे पातशाह भाने चलन का बल बख्शे कि आ जी हुकूमत हम दिन गल कर रही है प्रधान जी उससे पहला सुनिया इस पास बहुत इस करके नहीं पिया कि याद शहीद जी मना रहे हैं उसके संबंध में गुरमत के आधार पर जिन्ना बोलिया जाए चंगा है अतूक मात्र समाप्ति चित बेनती संगत को करांगा। खालसा जी जरा यह अपने मन में ख्याल आ गया है असी जी थोड़े हाँ तो गर्जा सिंह तो बोता सिंह की फोटो कल ही देखी सी को रात लंघी है जी आप तो दो ही सी हुकूमत थोड़े दिन रही चाहे बहुते दिन खालसा राज कायम कर दिता दोहां ने टैक्स गिराया है सारा पार्लीमेंट भी बनाता कुर्सियां भी कायम करनी पत्थर दी कर ढेलिया तो बना पिया पर दर्शा दिता कि खालसा भावें दो हो चाहे एक हो जिन्हों की तीबर इच्छा हो जाए कि असी निशान साहब के थले राज कायम करना तो कर सकते हैं। सो खालसा जी भावें गल मेरी कहीं न चुभेगी बेनती कौम के चरणों च जरूर करांगा हिंदुओं नाल अपना वैर जाति तौर पर पेश नहीं हुण तो नहीं पहलां तो ही हिंदू सिख एकता का आपां भरोसा दिवाउंदे आए हैं तो दवा रहे हैं तो शरीरक तौर पर मैं वास्ते कुर्बानियां भी कीतियां हैं। हरी सिंह जी भंगी ने कसूर दियां गढ़ियां जाके धरनियां सी बड़ा भारी टाकरा करना पिया इंदिरा ने एक सवाल उठाया सी घबराहट विच आके भिंडरांवाले ने जिहड़ी आ 7 ते 150 की गल की है मैं भिंडरांवाले नूं पुछना चाहुंदी हां जिहड़ी सिखां दी हिट लिस्ट बनाई है वह किने बनाई है। हुण बीबी इंदिरा मैं इत्थे बाबा अटल जी दे अस्थान उत्ते खड़ो के पुछी जांदा तूं उत्थे पार्लीमेंट विच इस तरह का गल का स्वाद जा नहीं आना कितने बैठ के गल हुई तो पता लगू तो जा अखबारों जवाब दे अरे 4 दिन हो गए मैंने चैलेंज किए ने उत्तर नहीं कोई दे रही। वो कहते सिखा नाल मैं बहुत हमदर्दी है भिंडरांवाले ने गलत कह दिता 1 लाख हूं तो शायद 72,000 हो गया उदा 70 से 1,70,000 की गिरफ्तारी 150 तो वध सिंघां दीआं शहीदियां श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब जी बैठे हैं श्रोमणी कमेटी के प्रधान साहब जी बोल गए हैं बाकी पतंते सज्जन होर सुलझे हुए बैठे हैं कि इनिया कुरबानियों तो पिछों इन्हों घर लटाने तो उपरंत इन्ना खून डुलण के बावजूद कि इंदिरा ने अपने कहण ते पंजाब का मुख्यमंत्री बदलिया थाना थाना ते अपनी तकरीर दास जी ते संतां दी तकरीर इत्थों दी असीं बाहर नहीं जा सके कि इस एक निकम्मे बंदे नूं बदल दे जिहड़ा खून पीण ते इरादा तुलिया होया सिखां दा ते तुहाडे आके ला के तुहाडी चपली झाड़न दा शकीन बणिया बैठा है इहनूं बदल दिओ ते शांति हो सकती है पर की 16 महीनों विच उहनूं बदलिया हिंदू 7 किसे ने मार दिते बस विच किसे सिख ने चंगा नहीं किया सारे ने क्या माड़ा होया पर हिंदू 7 मर गए 8 पैर नहीं लंघे मिनिस्ट्री टुट गई राष्ट्रपति राज लागू हो गया गड़बड़ करार इलाके नूं दे दिता ते सिख 150 शहीद होया ते 1 बंदा नहीं बदलिया ते हुण तुसीं सोचो सारे सिख बैठ के कि हिंदू साम्राज की गौरमेंट के मन विचा पग के दाड़े प्रति की ख्याल है जे गल गलत है तो कोई चैलेंज करो तो मैं अपना सिर वढ के तुहानूं दे दूंगा। इंदिरा नूं चल मैं नारे वाले नूं बेनती करांगा नारे च नंबौता जाओ सुन वल ध्यान दिओ हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री कह देवे कि सिखा नूं सोच लेना चाहिए पंजाब वालियां नूं बाहरले सूबे बैठे सिखों का की बनेगा यह धमकी है
ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹਾਂ ਪਰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਲਓ ਕੀ ਬਣੂ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖੜੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬੀਬੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੱਗ ਤੇ ਦਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ 20-20 ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ 506 ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਗਾ ਇੰਦਰਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਪਿਆਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੇਠੀ ਬਿਨਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 8 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚਬਾਵਾਂਗੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਆ ਜੀ ਤਕੜੇ ਹੱਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਨਾ ਮਰਵਾ ਬੈਠੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਇੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸਵਾਮੀ ਅਦਿਤਿਆ ਵੇਸ਼ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਪਰਨਾ ਚੁੱਕੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੋ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਹੈ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕੁਚਲਦਿਆਂ ਦਰੜਦਿਆਂ ਮਲਦਿਆਂ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਹਟ ਗਏ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਛਾਪੇ ਸੀ ਕਿ ਦੁੱਕੀ ਤਿੱਕੀ ਖਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪਗੜੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕੱਚ ਕੜਾ ਕਿਰਪਾਨ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਹੱਕ ਨਾ ਲੈਣਾ ਏਦੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਪਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਰੰਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੇ ਚੱਲੋ ਬਾਹਵਣੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਤੇ ਚੱਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਸ਼ਰਨਾਜਲੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਦੰਡ ਖੱਟੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਜੇ ਇਹ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਨਾਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਬੋਲਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਅੱਖਰ ਕੋਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਾ ਸੇਵ ਅਣਪੜ੍ਹ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਾਫ਼ੀ ਬਖਸ਼ਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ